नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट वाली जो कंडीशन थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। मान लो कोई एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है जो काम करता है किस पर, रियल नंबर पर। गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू, और ए और बी का जो ऑपरेशन बताया उसने क्या बताया कि ए स्टार बी इक्वल टू 3AB/7। उसने कहा फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसका, ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, रियल नंबर में तो उसने बताया था कि ए और बी तो रियल से बिलोंग करें ही करें, साथ में क्या ई भी बिलोंग करना चाहिए रियल से। तो हमने बताया था कि अगर ए और बी बिलोंग करते हैं किसमें, आर में, तो फिर क्या था कि ई भी मिल जाना चाहिए किसमें, आर में। तो देखते हैं आइडेंटिटी किसके लिए, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बताया था कि अगर हम ए स्टार ई करें या ई स्टार ए करें तब की कंडीशन में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ऐसा हमें बताया था। देखिएगा उसने कहा, लिखेंगे देयरफोर, मैं कह दूं आपसे ए स्टार ई, क्योंकि यहां पर ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ए स्टार ई इक्वल टू क्या क्या आना चाहिए, ए, ये तो आना चाहिए, मैंने इसको ले लिया, ये तो कंडीशन थी, मैंने इन दोनों में से किसी एक को ले लो आप, मैंने इसको ले लिया, तो ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए, और ए स्टार ई, ई किसकी जगह पर आ रहा है, बी की जगह पर, तो क्या कह रहा है वो ए स्टार बी, ए स्टार बी कह रहा है कि 3 का इंटू इन दोनों से और अपॉन 7, तो ऐसे तुम कर दो कि 3 का इंटू इन दोनों से ए इंटू ई और अपॉन क्या 7 इक्वल टू क्या है ए। देखो ए से ए कैंसिल हो गया, एक बार क्या बचा 3E/7 और इक्वल टू क्या बचा 1, क्रॉस इंटू करेंगे आप, जब 3E/2 क्रॉस करेंगे कितना हो गया 7, तो E इक्वल टू कितना आ गया 7/3, इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब 7/3 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो, एक बार इसे अच्छी तरह से नोट करें, अच्छी तरह से रिवीजन करें इनका, हर क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। आपकी जो आरडी शर्मा है उसमें से आप ऐसे क्वेश्चन छांटिए, छांट करके अपने घर पर करके देखिएगा, वो आपसे 100% हो जाएंगे। आइए इसे एक बार नोट कीजिए।